हाय स्टूडेंट्स एंड गाइस, मैं जय सर फिर से आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ एक्टिव वाइज पैसिव वाइज का आगे के सिंपल पास्ट टेंस सामान्य भूतकाल के बारे में आज अपनी हम बात करेंगे। एक्टिव वाइज एक्टिव से पैसिव में किस तरह से सामान्य भूतकाल में बदला जाता है, उसके पहले मैं एक छोटी सी बात कर दूं। हमको जीवन में गुरु की जरूरत पड़ती है, मित्र की जरूरत पड़ती है और शिष्य की जरूरत पड़ती है, और ये तीनों चीज बहुत सोच समझ के ही बनाना चाहिए, इनका चुनाव बहुत सोच समझ के ही करना चाहिए। इसके लिए एक लाइन है, मैंने पढ़ी है, ज्ञान मिले तो गुरु बनाओ, ज्ञान मिले तो गुरु बनाओ, चित्त मिले तो चेला, ज्ञान मिले तो गुरु बनाओ, चित्त मिले तो चेला, और मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रहो अकेला। एक ऐसी लाइन है। तो ये सब चीजों का चुनाव, गुरु का, शिष्य का और मित्र का चुनाव अपने जिंदगी में बहुत सोच समझ के करना चाहिए। और जो है जिससे हमको, हम अगर गुरु की बात करें तो ऐसे गुरु होने चाहिए जो आपको आपकी लाइफ में आगे ले जा सके, आपको आगे अपडेट कर सके, आपके लिए बेनिफिट, आपके लिए फायदेमंद साबित हो सके। तो आज फिर मैं अगेन एक बार वापस आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक की, सिंपल पाठ्यक्रम सामान्य भूतकाल एक्टिव से पैसे कैसे बनता है। अब एक्टिव से पैसे बनाने के लिए सामान्य भूतकाल सिंपल पाठ्यक्रम में फॉर्मूला लिखा गया है कि एक्टिव वाइज का ऑब्जेक्ट, एक्टिव वाइज का कर्म पहले उतारेंगे, फिर उसके बाद उसकी सहायक क्रिया वर्डवेयर। सिंपल प्रेजेंट में हमने ईजेमआर लिखा था, यहाँ पे वर्डवेयर है। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्रिया का तीसरा रूप, प्लस के बाद बाय लगा देना है, और एक्टिव वाइज का सब्जेक्ट। फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है, फॉर्मूले में सिर्फ यही सहायक क्रिया ही चेंज हुई है, बाकी सब वही हुई है। सिंपल प्रेजेंट में ईजेमआर था और यहाँ पे वर्डवेयर है, और कोई चेंज नहीं है। अब हम बात करते हैं एक्टिव से पैसिव में हकारात्मक अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो उसको एक्टिव से पैसे कैसे बनाएंगे। जैसे वाक्य लिखा गया है, सी ब्रोक दिस कप यस्टरडे, उसने कल कप तोड़ दिया। तो जैसे मैंने पहले कहा है, एक्टिव से पैसे बनाने के लिए हमको तीन चीज पता होना चाहिए, कर्ता क्रिया कर्म, यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये तीनों चीजें हमको ब्रेकअप करनी है, अलग अलग करने सीखनी है। अब हम अलग अलग करते हैं, सी कर्ता है, सब्जेक्ट है, ब्रोक वर्ब है, क्रिया है, दिस कप ऑब्जेक्ट है, यस्टरडे जैसे एक्स्ट्रा वर्ब मैंने बताया था। ये पहले हमको करते आ जाना चाहिए, और फिर जब ये अलग अलग हो जाएगा तो पैसिव वाइज करना बहुत आपके लिए आसान हो जाएगा। फिर इस फॉर्मूले को अप्लाई करिए, जो फॉर्मूला कह रहा है कि एक्टिव वाइज का ऑब्जेक्ट, अब एक्टिव वाइज का ऑब्जेक्ट कह रहा है दिस कप, इसलिए हमने यहाँ पे दिस कप उतार दिया है। इसके बाद वॉज अथवा वेयर, ये सहायक क्रिया उतारनी है। तो वॉज आएगा कि वेयर आएगा, कैसे डिसाइड होगा, ऑब्जेक्ट के ऊपर। दिस कप सिंगुलर नंबर है, मतलब एक वचन है, एक वचन के साथ में वॉज आएगा और वो वचन के साथ में वेयर आएगा, इसलिए दिस कप के साथ में वॉज आया है। अब इसके आगे फॉर्मूले में बात करते हैं, क्रिया नंबर तीन वर्ब थ्री लिखा है, तो यहाँ पे ब्रोक लिखा है वर्ब। अब इसकी ओरिजिनल जो फर्स्ट फॉर्म होती है ब्रेक ब्रोक ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, तो थर्ड फॉर्म हो गया इसका ब्रोकन, वर्ब थ्री हो गया ब्रोकन, और एक्स्ट्रा वर्ड हमने डाल दिया यस्टरडे, और फिर बाय लिख दिया हमने, और यहाँ पे सी का हर हो जाता है जो टेबल के हिसाब से लिखा है बाय का। इस तरह से एफर्मेटिव में जो है एक्टिव से पैसिव हो जाता है। एक बात मैं यहाँ पे क्लियरिफाई कर दूं कि लोगों को कुछ कंफ्यूजन में आ रहा होगा, कभी मैं एक्स्ट्रा वर्ड को बीच में रख देता हूँ, कभी लास्ट में रख देता हूँ। तो एक्स्ट्रा वर्ड ऐसा है कि चाहे आप वर्ड के बाद में रखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं है, और इसके बाद में भी रखेंगे तो भी फर्क नहीं है। जैसे अगर हम इसको लिख सकते हैं ऐसे भी, दिस कप वाज ब्रोकन यस्टरडे बाय हर, तो उसकी यह ऐसा भी लिखा जा सकता है, गलत नहीं होगा। दिस कप वाज ब्रोकन बाय हर यस्टरडे, ये भी सही है, दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। इसलिए मैं इसको क्लियरिफाई कर दे रहा हूं कि चाहे एक्स्ट्रा वर्ड को सबसे पीछे रखो या उसके पहले रखो, कोई भी गलत नहीं है। अब हम आगे चलते हैं नेगेटिव वर्ड, मतलब नकारात्मक पार्ट। नकारात्मक पार्ट में जैसे एक्टिव वॉइस में लिखा गया है, वी डिड नॉट बाय सम पिक्चर्स, हम लोग कुछ पिक्चर फोटोज नहीं खरीदे।
अब यहाँ पे भी हमको सबसे पहले कर्ता क्रिया कर्म को अलग कर लेना जरूरी है। यहाँ पे वी सब्जेक्ट है, डिड सामान्य भूतकाल की हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया जिसको कहते हैं, नॉट नेगेटिव वर्ड है, बाय मेन वर्ब है, सम पिक्चर्स ऑब्जेक्ट है। अब कर्ता क्रिया कर्म और सब हमने हेल्पिंग वर्ब अलग कर लिया। अब हम फॉर्मूला वापस अप्लाई करते हैं कि फॉर्मूला के हिसाब से एक्टिवाइज का ऑब्जेक्ट सम पिक्चर्स उतार दिए, उसके बाद वॉज वेयर पिक्चर्स ये बहुवचन है इसलिए हमने यहाँ पे वेयर लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे नेगेटिव वर्ड लिखना जरूरी है क्योंकि नेगेटिव वर्ड इसलिए हमने नॉट जोड़ दिया। और ध्यान दीजिएगा ये सिंपल पास्ट का हेल्पिंग वर्ब है, सिंपल पास्ट का एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन पैसिव वॉइस में जब हम हेल्पिंग वर्ब चेंज करते हैं तो वह थोड़ा वेयर हो जाता है, इसलिए डिड यहाँ पे वेयर हो गया और वेयर सम पिक्चर्स बहुवचन है इसलिए यहाँ पे वेयर लगा है। अब आगे बात करते हैं बाय, बाय का थर्ड फॉर्म बाय बॉट बॉट, थर्ड फॉर्म हो गया बॉट और ये बाय अस वी का बाय अस हो जाता है। इस तरह से नेगेटिव मतलब नकारात्मक एक्टिव से पैसिव क्लियर हो जाता है। आगे हम बात करते हैं एच इंटरोगेटिव, एच इंटरोगेटिव मतलब हेल्पिंग वर्ब से जो इंटरोगेटिव प्रश्नार्थ प्रश्नवाचक बनते हैं उसको एक्टिव से पैसिव कैसे बदल जाता है। तो ये एक्टिव इसकी हेल्पिंग वर्ब है, डिड द प्रिंसिपल स्कोल्ड द बॉयज, क्या प्रिंसिपल ने बच्चों को डांटा, तो सिंपल पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है। अलग अलग ब्रेक करेंगे पास्ट का सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, डिड हेल्पिंग वर्ब हो गया, द प्रिंसिपल सब्जेक्ट हो गया, स्कोल्ड वर्ब हो गया, द बॉयज ऑब्जेक्ट हो गया। इसमें आप लोग समझिए मेन गेम सिर्फ कर्ता क्रिया कर्म का ही है, आप कर्ता क्रिया कर्म अलग अलग ब्रेक डाउन करना सीख जाइए, एक्टिव से पैसिव करना आसान हो जाएगा आ जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ये हो गया, इसके बाद देखिए यहाँ खास बात यह है कि अगर ये प्रश्नार्थ है तो हम प्रश्नार्थ में ही रखेंगे, यहाँ पे ये सिंपल पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है तो पैसिव वॉइस में इसकी हेल्पिंग वर्ब वॉज वेयर जो हो जाती है वो हेल्पिंग वर्ब लगेगा, ये वेयर लगा है। अब सवाल ये होता है वेयर कहां से आ गया, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट से डिसाइड करते हैं, ऑब्जेक्ट है द बॉयस बहुवचन है तो बॉयस बहुवचन है, बहुवचन में इसलिए वेयर लगा है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट हमें होता है वेयर द बॉयस और स्कोल्ड का थर्ड फॉर्म स्कोल्ड स्कोल्डेड स्कोल्डेड तो द बॉयस स्कोल्डेड और द प्रिंसिपल बाय द प्रिंसिपल, वेयर द बॉयस स्कोल्डेड बाय द प्रिंसिपल। इस तरह से एफर्मेटिव नेगेटिव और इंटर हेल्पिंग वर्ब का इंटरोगेटिव पूरा होता है। हाँ तो हम आगे बात करते हैं सिंपल पास्ट में ही, आगे प्रश्नवाचक में तीन दो टाइप के और प्रश्न लिखे हैं जिसमें इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नार्थ क्वेश्चन वर्ड वाला प्रश्न है, डब्ल्यूएच वाले एक्टिव में लिखा है इसे हु वन द कंपटीशन इन द गेम, गेम में कंपटीशन रेस कौन जीता। तो हर बार जितना हम पहले कर्ता क्रिया कर्म अलग करें हर एक को अलग रखें, जैसे हु ये क्वेश्चन वर्ड है, क्यू मीन्स क्वेश्चन वर्ड, वन ये वर्ब है, द कंपटीशन ऑब्जेक्ट, इन द गेम। अब हम इसको पैसिव में लाएंगे तो जैसे मैंने पहले टेबल में लिखा है क्वेश्चन वर्ड का हु का बाय होम हो जाता है, हम इसके लिए लिख देते हैं हु का बाय होम लिख दिया। उसके बाद में ऑब्जेक्ट द कंपटीशन बाय होम द कंपटीशन, इसके बाद में वॉज वेयर, वॉज वेयर में से वॉज है, अब वॉज क्यों है क्योंकि द कंपटीशन सिंगुलर है एक वचन है इसलिए वॉज लिखा। और क्रिया का थर्ड फॉर्म इसका विन वन वर्ड तो मतलब इसका थर्ड फॉर्म भी वन ही होगा इसलिए वॉज वन और इन द गेम एक्स्ट्रा वर्ड उतार दिया। अब बाय लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि बिकॉज बाय तो पहले ही आ चुका है, इस तरह से ये क्लियर होता है। आगे दूसरा हम प्रश्नवाचक वाला देखेंगे, एक चीज मैं वापस क्लियरिफाई कर दूं, प्रश्नवाचक में सिर्फ हु के साथ में ही बाय होम होता है, हु के पहले बाय होम करे बाकी और कोई दूसरा शब्द होता है क्वेश्चन में प्रश्न का उसके पहले बाय नहीं रखता, जैसे व्हाट है वेयर है ऐसे शब्द दिए गए उसके पहले बाय नहीं लगेगा। अब ये देखते हैं व्हाट डिड यू डू इन द लैपटॉप, तुम लैपटॉप में क्या करते हो, तो पहले ब्रेकअप कर लेते हैं, व्हाट क्वेश्चन वर्ड है, डिड हेल्पिंग वर्ब है सहायक क्रिया सामान्य भूतकाल की, यू सब्जेक्ट है और ये जो है ये मेन वर्ब है, डू सिंपल पास्ट प्रेजेंट की सहायक क्रिया होती है, डू का मतलब होता है करना और इन द लैपटॉप ऑब्जेक्ट। तो देखिए इसको अलग करेंगे,
क्वेश्चन वर्ड का क्वेश्चन वर्ड उतार दिया, वर्ड का वर्ड उतार गया, और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर दिया हमने, जब शायद क्रिया थी व्हाट वाज डन इन द लेटर। अब ये वाज कहां से डिसाइड करना होता है सभी को, अब सवाल ये होता है वाज है वेयर है, कहते हाउ इट विल बी डिसाइडेड, तो सवाल ये होता है कि इन द लैपटॉप, लैपटॉप सिंगुलर नहीं बचाने चाहिए, इसके पहले वर्ड लग गया व्हाट वाज, और डू मेन क्रिया जो है इसकी डू का थर्ड फॉर्म डू डिड डन, तो व्हाट वाज डन और ऑब्जेक्ट को उतारेंगे इन द लैपटॉप, और ये सब्जेक्ट को बाय यू, यू का बाय यू हो जाता है, इस तरह से ये क्लियर होता है। एक दूसरा बता रहे हैं अफर्मेटिव, जो पहले बताया था मैंने, जो किसी ऑब्जेक्ट पहले कुछ लिखा गया हो, जैसे वी वेंट टू अयोध्या फॉर विजिट, हम लोग अयोध्या गए घूमने के लिए, तो यहाँ पे भी ब्रेकअप कर लेते हैं, वी सब्जेक्ट है, वेंट वर्ब है, टू अयोध्या ऑब्जेक्ट है, फॉर विजिट एक्स्ट्रा वर्ड मान लीजिए है। अब सवाल ये होता है कि अगर हम टू अयोध्या के ले जाएंगे तो इट विल नॉट बी रिलेवेंट, ये गलत हो जाएगा, तो इसके लिए तुम जो है हम सबसे पहले बताया कि इसके पहले भी कि इसके पहले हम एक उतार लेते हैं एक, और उसके बाद वर्ड वेयर जैसे एक वचन आता है इसके साथ में वर्ड हो जाएगा, इट वॉज उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म गो वेंट गॉन, इट वॉज गॉन और ऑब्जेक्ट उतार देंगे, ऑब्जेक्ट को फिर से उतार देते हैं, इट वॉज गॉन टू अयोध्या फॉर विजिट और वी का बायस, इस तरह से सिंपल पास्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव क्लियर हो जाता है। मेरे हिसाब से आप सब लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी, इसके आगे के भी टेंस में सब एक्टिव पैसिव पूरा कराऊंगा, आपके कमेंट का इंतजार है, और आप लोग प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और आगे के वीडियो में हम नया अपडेट देते रहेंगे। थैंक यू सो मच।